मित्रों राम राम, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे सरल ज्योतिष कार्यक्रम में। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वो विषय बहुत ही सरल है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे करमाला के ऊपर जानेंगे। करमाला यानी हाथ में कैसे जप किया जाता है। अगर हम लोग कभी बाहर हैं, घर से दूर हैं, अपने माला का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको हाथ में ही देवी देवताओं का ध्यान करते हुए माला जप करना चाहिए। इसमें देखिए, देवियों का करमाला जो विधि है वो अलग होता है, देवताओं की करमाला विधि अलग होती है। इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये हमारे सभी के हाथ में ये अलग अलग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 12 पोर हैं। ये सभी खंड पे, हर उंगली पे तीन तीन रहते हैं देवी देवताओं। बोला जाता है कि ज्योतिष के मध्य में, बाद में आपसे चर्चा करूँगा, इसमें अलग अलग लग्नों का भी प्रभाव रहता है, वो दिखता है। तो हस्त रेखा के ऊपर मैं और चर्चा करूँगा। अभी हम चर्चा करेंगे कि ये जो करमाला है तो ये कैसे होगा, आइए उसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि जो सूर्य का जो पर्वत है, इसके ऊपर वाली जिसको अनामिका अंगुली बोलते हैं, इस अंगुली के द्वितीय वाला, मध्य वाला जो पोर है, यहाँ पे पहला अंक माना जाता है। जैसे अगर राम नाम आप ले रहे हैं तो पहला राम नाम बोलते ही यहाँ पे अंगुली को, अंगूठे को रखेंगे राम। अगर दूसरा, फिर दूसरा कर रहे हैं तो उसके नीचे वाला भाग राम, फिर छोटी वाली कनिष्ठा अंगुली में सबसे नीचे 1, 2, 3, फिर ऊपर बढ़ते जाएंगे राम 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 राम, क्योंकि देवता है तो देवता के मंत्र जब चलेगा 10 हो जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, ये दूसरी अंगुली नीचे से, दूसरी अंगुली अनामिका अंगुली के मध्य भाग से आगे बढ़ते जाएंगे, और ये बढ़ते 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 ये जो बीच का मध्यमा उंगली जो है, इसके ऊपर पोर को करने के बाद तर्जनी की ओर पहुँच जाएंगे। ऐसे देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, ये क्रम है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गए, फिर ये नीचे आ गए, यहाँ आने के बाद फिर पुनः राम 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 राम, ऐसे एक, जैसे बोला जाए कि जैसे हम लोग माला में सुमेरु का उल्लंघन नहीं करते हैं, सुमेरु के बाद पुनः पीछे आते हैं, वैसे ये आगे जाएगा राम 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 राम, ऐसे बोलते बोलते फिर पुनः हर एक राम में एक एक बार आगे बढ़ते जाना है, फिर राम राम राम, ऐसा करके अपने को 100 माला करना है। 100 माला मतलब 100 बार उस मंत्र को करना है। 101वां जो रहेगा, 100 के बाद रहेगा, वो यहाँ से प्रारंभ होकर के ये यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, अपने ही क्रम में बढ़ेगा, और यहाँ पे जाके यानी ये अंतिम वाला और ये पहला वाला, इन दोनों को छोड़ देंगे तो 108 माला मंत्र जो हो जाएगा। अब बोले कि देवी का मंत्र है, जितने भी देवता हैं, भोले बाबा हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, जितने राम भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, जो भी देवी देवता हम लोग देवता को मान रहे हैं, तो ये होगा। अब देवियों का जब भी जप करना है तो यहीं से प्रारंभ होगी। पहली जो है देवी, जैसे है श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, ऐसे देवियों का जब मंत्र जब ये चल रहा है तो ये तर्जनी में नहीं जाके यहीं से नीचे आ जाएंगे, यहाँ यहाँ ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ पे फिर उल्टा जाएगा 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे ये फिर ऐसे आवृत्ति जाते जाएगी। ये आवृत्ति आप देख लेंगे, इस आवृत्ति के बाद 100 जैसे ही हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे इसके नीचे वाले भाग को पहला मानना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा और आठवा, यहाँ पे 8 नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार से 108 होगा। जैसे 108 होता है फिर आप देवी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए, या फिर पुनः यहाँ से फिर ले सकते हैं, जो भी देवी देवता का मंत्र जप करेंगे। ये करमाला है, इसके प्रभाव से आप कहीं भी गए, तीर्थ यात्रा में गए, कहीं भी गए, आप माला वगैरह नहीं भी ले जाते कोई समस्या नहीं है, और आपको शुद्धि अवस्था में ही माला जप करना चाहिए। करमाला बहुत ही सरल सुलभ है, कोई भी देवी देवताओं का आप हाथ से ही करमाला कर सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि कर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। कर को हमेशा दर्शन करना चाहिए प्रभात में, सुबह में, और पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। कभी आप लोगों ने गौर किया है कि ऋषि मुनि जो हैं वो मंत्रों को लेकर के चलते थे,
कभी भी हथियार वो नहीं धारण करते थे, कुछ एक विशेष क्रिया में उनको हर विद्या में पारंगत रहते थे, दूसरों को सिखाते थे, लेकिन वो स्वयं लेकर नहीं, क्योंकि उनके पास हाथ की शक्ति, यहाँ कर की जो शक्ति है वो सदा उनके पास रहती थी। तो उसी शक्ति का प्रयोग हम लोग आज सीखे, हम लोग इसी हाथ के प्रयोग के द्वारा, इसी में ही हम लोग सीधे हाथ के द्वारा ही सदा घर में या बाहर अगर हैं, अगर माला नहीं मिल पा रहा है तो इसको आप अवश्य प्रयोग करें और इसका आनंद लें। आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार, प्रणाम, नमस्कार।